हाँ जी, तो अब हम करेंगे अपना हिंदी वर्क और वो है हमारा पेज नंबर 29। अब तो आप सबको भी रीड करना आ गया 29। मैम ने आपको 30 तक काउंटिंग सिखा दी ना, तो आप अपने आप अपना पेज नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एंड अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट। मम्मा आपकी क्या लिखेंगी, डेट, दैट इज 17/8/20। और सी डब्ल्यू, क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम करेंगे वन लाइन एंड फिर उसके बाद होमवर्क। होमवर्क में हम करेंगे टू लाइन्स, ठीक है। और आज हम क्या करने वाले हैं पेज नंबर 29 पे, घ की फॉर्मेशन, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन, पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन, मेक अ स्मॉल सी, स्टॉप, कम एट मिडिल ब्लू लाइन, देन एक राउंड कर्व बनाते हुए स्टॉप एंड फिर उसके बाद उसको स्लैंट लाइन, गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन एंड कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए एंड मेक अ स्लीपिंग लाइन। और फिर आपको क्या देखना है, आपका जो नीचे वाला कर्व होगा वो बॉटम ब्लू लाइन को टच नहीं करेगा, छ में टच करता है, घ और ध में वो टच बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। अब एक और बनाते हैं घ, और मैम ने आपको अपनी कंसेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी सेंड कर दी है, ठीक है। दिस इज घ, ऐसे पुट द पेंसिल ऑन टॉप ब्लू लाइन, मेक स्मॉल सी, कम डाउन टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप, और फिर उसके बाद एक और कर्व बनाते हुए यहाँ पे स्टॉप एंड गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप, गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, स्टॉप एंड कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, स्टॉप। हैंड को लिफ्ट कर लीजिए एंड मेक अ रूफ लाइन। रूफ लाइन आपकी बहुत बड़ी भी नहीं होगी, बहुत छोटी भी नहीं होगी, जितना आपका लेटर होगा उतनी आपकी रूफ लाइन होगी। फिर से घ, स्मॉल सी, कम डाउन टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप एंड फिर नीचे से राउंड लेते हुए स्टॉप और फिर स्लैंट में गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप and go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, stop, make a standing line, lift up your hand and make a roof line। देखो मैम का घ बॉटम ब्लू लाइन से टच नहीं हो रहा है, आप भी ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। Now again put the pencil on top blue line, make a small c, come down to the middle blue line, stop, और नीचे से round curve लाते हुए stop, make a slant line, go up to the middle blue line, stop, and go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, stop, make a standing line, lift up your hand and make a roof line। This is letter G। फिर next letter भी आ जाते हैं। Put the pencil on top blue line and make a small c, stop, यहाँ से curve लेते हुए stop and slant में come to the middle blue line, stop, go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, stop, make a standing line and make a roof line, go। थोड़ा सा speed up हो जाए। Yes, small c, फिर नीचे से go, stop at middle blue line, go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, stop, make a starting line and make a roof line, go। फिर से put the pencil on top blue line, make a small c, stop, फिर round, stop and make a slant, go up to the middle blue line, stop, go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, make a starting line, stop and make a roof line, go। Now put the pencil on top blue line, make a small c, फिर make a curve, stop और round लेते हुए slant में go up to the middle blue line, stop, go up to the top blue line, come down to the bottom blue line, stop। Hand को lift कर लीजिए, make a roof line, go। Put the pencil on top blue line, make a small c, stop, फिर यहाँ से राउंड लेते हुए स्टॉप एंड स्लैंट में गो अप टू द मिडिल ब्लू लाइन, स्टॉप,
गो अप टू द टॉप ब्लू लाइन, कम डाउन टू द बॉटम ब्लू लाइन, मेक अ स्टैंडिंग लाइन, स्टॉप, लिफ्ट अप योर हैंड एंड मेक अ रूफ फ्लाई, स्टॉप, एंड दिस इज योर होमवर्क एंड दिस इज द एंड मार्क। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से विद करेक्ट फॉर्मेशन आपको ये वर्क करना है। अब हम करेंगे मैथ्स वर्क।